हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे एनटीपीसी जीके के सेट नंबर 5 की। 4 सेट कर लिए, पांचवा सेट करेंगे आज। और ये जो क्वेश्चंस लिया है, ये अपना जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था 30 मार्च 2016 को शिफ्ट 1 के अंदर। पहले भी टीसीएस कंपनी ने कंडक्ट करवाए थे पेपर्स, और अभी भी टीसीएस कंपनी ही कंडक्ट करवाएगी, तो ये अपने लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, रुपये के लिए चिन्ह को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे। यानी जो रुपए का जो सिंबल है, ये जो साइन है रुपीज़ का, अपना जो इंडियन रुपीज़ है उसका जो साइन है, इसको डिजाइन किसने किया था, अपने को ये बताना है। ऑप्शन से उदय कुमार, विजय कुमार, प्रेम कुमार, प्रणव कुमार। ये जो साइन हुआ था, इसके अंदर देखिएगा, एक तो अपन हिंदी में रेल लिखते हैं, ये साइन है। इंग्लिश में भी आर इसी तरीके से लिखते हैं। इसके ऊपर दो तिरंगे की लाइनें खींची गई है, जो अपने ट्राई कलर है, तिरंगा है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये बताना कि इसको डिजाइन किसने किया था। तो अपना जो आंसर हो जाएगा, उदय कुमार के ऊपर अपना टिक लगाएंगे। अब उदय कुमार है कौन, इसका पूरा नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर हो गया उदय कुमार। अगर पूरा नाम पूछें तो इनका नाम है उदय कुमार धर्मलिंगम। धर्मलिंगम इनका पूरा नाम है। ये कौन है, आपसे इंस्टीट्यूट का नाम पूछा जा सकता है, IIT गुवाहाटी। ध्यान दीजिएगा, IIT गुवाहाटी के प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर थे उस टाइम, डिजाइन किया था। तो इंस्टीट्यूट का नाम पूछे IIT गुवाहाटी से। अब और जो इस पर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये जो रुपए का साइन है, इसको डिजाइन कब किया गया था और ऑफिशियली अडॉप्टेड कब किया गया था। अगर डिजाइन ईयर आपसे पूछे एग्जाम में, डिजाइन ईयर पूछे तो आपको बतानी है 2010, और ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट कब किया गया, अडॉप्ट कब किया, तो अडॉप्ट किया इसको 2012 के अंदर। इंडियन रुपीज होते हैं उस पर 17 लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए होते हैं, और जो फ्रंट साइड होती है, फ्रंट साइड में ओनली 2 लैंग्वेज दर्शाई जाती है। तो रुपए के ऊपर टोटल 17 लैंग्वेज है, उसमें से फ्रंट साइड है, इसका जो फ्रंट व्यू है उस पर ओनली 2 ही लैंग्वेज है। एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए जो 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए थे, वो इसकी घोषणा कब की थी। एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि 500 और 1000 रुपये के नोट की बंद की घोषणा कब की थी। तो आपको डेट बतानी है 8 नवंबर 2016 अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। शिमला समझौता 1972, शिमला एग्रीमेंट पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, इसके ऊपर किसके साइन है, ये बताने हैं आपको। ये बायलेटरल है, संधि है, पीस वार्ता है, पीस ट्रीटी है, शांति संधि है। ये हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कहाँ पे हुई थी, शिमला। शिमला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो इसके ऊपर जो साइन है वो है इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो। इंदिरा गांधी है इंडियन PM थी उस टाइम, और ZA भुट्टो इनका जो पूरा नाम है जुल्फिकार अली भुट्टो, और ये उस टाइम थे PM, प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, पाक प्रेसिडेंट थे उस टाइम, और ये PM भी रह चुके, प्रेसिडेंट भी रह चुके, लेकिन जब साइन हुआ तब ये थे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो, और ये कब हुई थी, 1972। पूरी डेट पूछे तो आपको बतानी है 2 जुलाई 1972। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे फुटबॉल इंडियन सुपर लीग का चैंपियन कौन था। ISL, ध्यान दीजिएगा, जैसे IPL होता है वैसे ISL है। ISL है जो सेकंड हुआ था, उसका चैंपियन कौन था, ये आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत कब हुई, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जो सेकंड था, उसका जो चैंपियन है वो है Chennai FC। देखो यहाँ पे मैंने ये लिया है, ये सबसे, इसका फाउंडेशन हुआ था 2013 के अंदर ISL का, लेकिन जो पहला मैच हुआ था वो हुआ था 2014 के अंदर। तो पहला भी आपको याद में रखना है, पहले में विनर कौन था, एटलेटिको दी कोलकाता, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं ATK, या ऑप्शन में आपसे कोलकाता भी आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ISL के फर्स्ट ISL के विनर कौन है, तो आंसर बताना है ATK यानी एटलेटिको दी कोलकाता। नेक्स्ट रनर अप भी ध्यान में रखना है, पहले मैच में रनर पड़ी थी केरला ब्लास्टर्स। अब जो लेटेस्ट हुआ था, लेटेस्ट कौन सा होगा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा लेटेस्ट टूर्नामेंट आपसे पूछा जा सकता है। लेटेस्ट में विनर है बेंगलुरु और रनर पर गोवा। एग्जाम में स्पोर्ट्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं PDF दे दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें एक आपको ये ध्यान और रखनी है, देखो ये दो बार चैंपियन है, चेन्नई है दो बार चैंपियन है, और ये कोलकाता वाली भी दो बार चैंपियन है, तो दो दो बार चैंपियन है। क्रिकेट विश्व कप 2019 की मेज़बानी कौन करेगा, इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन है। जो वर्ल्ड कप है, और ये वर्ल्ड कप है 2019 वाला, उसकी मेज़बानी कौन करेगा। तो 2019 की मेज़बानी करने वाली कंट्रीज है वो है इंग्लैंड एंड वेल्स। अब इस पे ऊपर आधारित जो क्वेश्चन आएगा वो और क्या आएगा, 2015 का भी नहीं पूछा जा सकता है, 2015 के अंदर हुआ था। 2015 के अंदर कहाँ हुआ था, ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के अंदर।
और विनर कौन रहा था 2015 के अंदर? ऑस्ट्रेलिया। रनर अप कौन रही थी? न्यूजीलैंड। भारत का वेन्यू पूछा जा सकता है, तो भारत के अंदर होएगा 19 में चार और जोड़ दो, यानी जो नेक्स्ट आने वाला है 2023 वाला, 2023 का जो वर्ल्ड कप होएगा वो होएगा भारत के अंदर। अब इस पर और जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताता हूँ। ये टूर्नामेंट कौन करवाती है? ICC करवाती है, इंडियन जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया, इसका जो कंडक्ट करवाती है वो भारत के अंदर होएगा ये। अब भारत ने कौन कौन से में जीता? भारत ने एक तो 1983 के अंदर जीता और साथ साथ में एक 2011 के अंदर जीता। 2011 के अंदर भारत जीता तो उस टाइम आपसे रनर अप पूछा जा सकता, तो श्रीलंका को हरा के भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप जीता था। 1983 के अंदर भारत ने जीता था, उस टाइम वेस्ट इंडीज़ को हराया था। ये सब आपको फैक्ट्स ध्यान में रखना है। 2011 का वेन्यू पूछे आपसे, तो फाइनल मैच हुआ था मुंबई के अंदर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया है, ये कौन प्रकाशित करते थे? तो उस टाइम महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। ये एक वीकली पत्रिका आती थी, ध्यान दीजिएगा, यंग इंडिया एक वीकली पत्रिका थी। और ये कब चली थी आपसे पूछा जा सकता है? 1919 से 1931 के बीच में। और साथ साथ में हरिजन नाम किसने दिया था दलितों को? महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। हरी यानी भगवान, हरी जन यानी लोग, यानी भगवान के लोग, या कहे तो पीपल ऑफ गॉड दलितों को बोलते थे। तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या जिसका राजस्थान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? अब DRDO ने परीक्षण किया था, ध्यान दीजिएगा, उसका नाम है नाग, तो आंसर हो जाएगा नाग। ये है DRDO के द्वारा डेवलप्ड है, ठीक है। नाम है ये, इसको फायर एंड फॉरगेट भी बोलते हैं, यानी दागो और भूल जाओ। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। DRDO से पूछा, DRDO का जो फाउंड है वह फाउंडेशन ईयर है 1958 और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर। डेवलप्ड किया था इसने DRDO ने, और मैन्युफैक्चर यानी बनाया किसने, यानी इसको डिजाइन दिया था DRDO ने, और मैन्युफैक्चर पूछे आपसे इसका, तो वह है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। BIOS क्या है? ये एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो इसका है ये कंप्यूटर है जो सिस्टम के हार्डवेयर के जितने भी पुर्जे हैं उनको स्टार्ट करना। UNO का मुख्यालय स्थित है, UN यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, ध्यान दीजिएगा न्यूयॉर्क। इसके मेंबर्स पूछे आपसे, 193 कंट्रीज इसके मेंबर्स है, और ऑब्जर्वर कंट्रीज पूछे तो आपको पता नहीं है, दो इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज है। नेक्स्ट इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945, ध्यान में रखनी है, 24 अक्टूबर 1945। तीसरी बात, यहाँ से सेक्रेटरी जनरल और डिप्टी सेक्रेटरी आपसे पूछे, तो सेक्रेटरी पूछे आपसे, सचिव पूछे तो आपको बताना एंटोनियो गुटेरस। और डिप्टी भी आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा हुआ है LP में, तो आपको बताना अमीना जय मोहम्मद डिप्टी भी पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, तो दोनों ध्यान में रखना है, डिप्टी और सेक्रेटरी दोनों, एंटोनियो गुटेरस और अमीना जय मोहम्मद। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। LP में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो देखो सबसे पहले ये मानते हैं 25 दिसंबर को मनाया जाता है, और ये 25 दिसंबर क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है, यानी उनका जन्मदिन हुआ था, जन्म हुआ था 25 दिसंबर को। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन पूछा गया था LP में आया था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी है उनकी मृत्यु किस दिन को हुई थी, तो उनकी मृत्यु हुई थी 16 अगस्त 2018 को, ठीक है, 16 अगस्त को। ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि 15 अगस्त के बाद में थोड़ा बहुत ये जनता के मन में आया था कि हो सकता है 15 को हुई थी, 15 को छुपा लिया, 16 को दिखा दिया, तो इस तरीके से इसलिए इस पर एक क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे उनकी मृत्यु कब हुई, तो 16 अगस्त 2018 को ध्यान में रखना है, और उन्हीं के जन्मदिन को याद करते हुए राष्ट्रीय सुशासन दिवस यानी ये मनाया जाता है। और सबसे पहले कब मनाया गया? 2014 के अंदर, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मनाया गया 2014 के अंदर। शब्दों के चार जोड़े दिए गए, इनमें से डिफरेंट बताना है, ऑड बताना है। तो देखो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, सही है। अर्थ डे 22 अप्रैल, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, स्पैरो डे मनाया जाता है 20 मार्च को, ध्यान दीजिएगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो ये डेज याद करने की ट्रिक्स के साथ में बताया हुआ है अपने प्लेलिस्ट में, डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप पूरे डेज याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो अपना आंसर हो जाएगा वर्ल्ड स्पैरो डे, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। तांत्रिक योगिनी पंत का मूल स्थान क्या है? तांत्रिक योगिनी का जो मूल स्थान है वह है ओडिशा। प्रसिद्ध केंद्र पूछे आपसे, केंद्र बताना आपको कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? असम के अंदर, ठीक है। प्रसिद्ध केंद्र पूछे कामाख्या और मूल स्थान है ओडिशा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? तो करेंसी नोट होते हैं इसमें से कौन से पीएम है जिनका नाम आता है? अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये पीएम भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, आरबीआई गवर्नर थे तभी तो इनका नाम नोटों के ऊपर आता है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई गवर्नर कौन से थे ये? तो ध्यान दीजिएगा, 15th नंबर के, यानी 15वें नंबर के जो आरबीआई क्वेश्चन आ सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 15वें नंबर के वो गवर्नर कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। एट प्रेजेंट कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया, एट प्रेजेंट कौन है? एट प्रेजेंट 25 नंबर के कौन है? शक्तिकांत दास। इनसे पहले 24 नंबर के कौन थे? उर्जित पटेल। 23rd नंबर के कौन थे? रघुराम राजन। ठीक है, ये सब तो शक्तिकांत दास है एट प्रेजेंट। IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? IFSC है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट इस पे जो क्वेश्चन आ सकता है वही आ सकते हैं, ये कितने करेक्टर कोड होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये 11 करेक्टर, इसमें 11 कोड होते हैं, 1 से 4, फिर 5th नंबर का, और बाद में आता है 6 से 11। जो 5th नंबर का होता है वो हमेशा 0 होता है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी आगे नंबर बढ़ेंगे तो इसको बढ़ा देंगे। 1 से 4 होता है हमेशा अल्फाबेटिक होते हैं, जो बैंक का नाम बताते हैं, बैंक का कोड होते हैं, और ये जो लास्ट वाले होते हैं ये होते हैं ब्रांच के कोड, ब्रांच कोड होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा PUNB 0, आगे जो भी होता है 30, 24, इस तरीके से। तो ये हो गया, तो ये तो हो गया बैंक के कोड, ये हमेशा 0 होता है, और ये हो गया ब्रांच के कोड। इसमें टोटल 11 डिजिट होते हैं और ये अल्फा न्यूमेरिक होते हैं और मे बी वो न्यूमेरिक होते हैं और अल्फाबेटिक भी हो सकते हैं ये, लेकिन ये हमेशा अल्फाबेटिक होते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है? गर्मियों में J&K, जम्मू कश्मीर है उसकी राजधानी क्या? गर्मियों के अंदर है श्रीनगर और सर्दियों के अंदर है जम्मू। एट प्रेजेंट बात करें तो वहाँ राज्यपाल शासन लगा हुआ है, अभी वहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं है। राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? जो राज्य की अपनी जो विधानसभा होती है उसके सदस्य के द्वारा। बात करते हैं राज्यसभा, इसके अंदर टोटल सीटें कितनी होती हैं? तो इसके अंदर होती है टोटल 245, 245 के अंदर 233 तो इलेक्टेड होती हैं राज्यों की विधानसभाओं से, और 12 राष्ट्रपति जी नॉमिनेट करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में नॉमिनेट मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 12 तो राज्यसभा में करते हैं और 2 करते हैं लोकसभा के अंदर। राष्ट्रपति 2 लोकसभा के अंदर मनोनीत करते हैं। लोकसभा के अंदर टोटल सीटें होती है 545, 545 में 543 तो जनता डायरेक्ट चुनती है और 2 राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। राज्यसभा, लोकसभा की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव आएंगे और चेंज हो जाएंगे। राज्यसभा के सभापति कौन है? चेंज नहीं होएंगे, ध्यान में रख लीजिएगा 6 साल तक। राज्यसभा के सभापति है वेंकैया नायडू। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। हो गए, डिप्टी चेयरमैन आपसे पूछा जा सकता है राज्यसभा के, लोकसभा के नहीं बताऊंगा क्योंकि इलेक्शन है। डिप्टी चेयरमैन कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है? थार का रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। 80% भाग इसका इंडिया के अंदर आता है। ध्यान दीजिएगा, टोटल 100% की बात करेंगे, 100% के अंदर 80% आता है इसका इंडिया के अंदर और 15% होता है इसके पाकिस्तान के अंदर, और इंडिया के अंदर है उसका 60% किसके अंदर है? ओनली एंड ओनली राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है राजस्थान में कितना परसेंट है? तो होगा 60%। वैसे और बात करें तो 85% है राजस्थान के अंदर और 15% है पाकिस्तान के अंदर। एरिया वाइज पूछे आपसे तो आपको बताना है 170,000 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान के अंदर, ये इंडिया के अंदर, और बात करें बाकी 30,000 है वर्ग किलोमीटर है पाकिस्तान के अंदर। स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? तो स्वच्छ भारत मिशन है यानी जो क्लीन इंडिया मिशन है वो है भारत को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए। इस पे जो क्वेश्चन आ सकता है, इसका आपसे स्लोगन पूछा जा सकता है, इसका नारा क्या है? तो इसका जो नारा है वो है एक कदम स्वच्छता की ओर, वन स्टेप टुवर्ड्स क्लीननेस, एक कदम स्वच्छता की ओर। लॉन्च कब किया गया? तो लॉन्च किया गया था ये 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर गांधी जयंती हम मनाते हैं। ठीक है, इसका पीरियड पूछिए आपको बताना था 2014 से 2019 रखा गया है। भारत की मवेशी रोग निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली का क्या नाम है? भारत के अंदर जो भी जानवर है मवेशी है उनके अंदर जो रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, उनकी देखरेख करने के लिए और उनसे पहले जो भी होती है सिस्टम होता है उनका नाम क्या है? तो उसका नाम है बायोसेफ्टी
लेबोरेटरी, और ये कहाँ पे है, ये न्यू दिल्ली के अंदर है, और आप यहाँ पे पूरी डिटेल देख सकते हो चाहो तो। निम्न में से कौन सा एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? टूटा हुआ तारा का मतलब अनसोर अवशेष, अनसोर अवशेष का मतलब फ्रेगमेंट्स एंड डेब्रिस। फ्रेगमेंट्स होता है अंश, जैसे अपन जानते हैं किसी चीज़ का अंश हो गया, टूट के गिरना वो अंश हो गया, और पूरा टूट के गिरा उसका जो मरा हुआ है बाद में जो लास्ट बचता है वो होते हैं अवशेष। तो अंश एंड अवशेष है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सेटेलाइट, संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सेटेलाइट कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन होता आप इस पर टिक किस पे लगाओगे? आर्यभट्ट पे लगाओगे, लेकिन आर्यभट्ट गलत हो जाएगा। इसका आंसर जाएगा आपका एप्पल। कम्युनिकेशन पूछा है, अगर नॉर्मल पूछता कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है तो आपका आंसर होता आर्यभट्ट, लेकिन यहाँ पे इसने पूछ लिया कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन है, संचार है वो है एप्पल। ठीक है, एप्पल की फुल फॉर्म पूछ ले APPLE, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो आपको बताना है एरियन, पैसेंजर, पेलोड, एक्सपेरिमेंट। ओके, कहाँ से लॉन्च किया गया था? ये फ्रेंच गुयाना से किया गया था, और कब किया गया था? 19 जून 1981 के अंदर। ठीक है, आर्यभट्ट की बात करिए, भारत का पहला उपग्रह, भारत का पहला है, ये हुआ था 1975 के अंदर लॉन्च, 19 अप्रैल 1975 के अंदर लॉन्च हुआ था। लॉन्च किसने किया था? ये किया था सोवियत यूनियन ने, ध्यान में रखना सोवियत यूनियन ने किया था, और ये किया था फ्रेंच गुयाना से। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे आ सकता है कि भारत के जो लूनर व्हीकल है जो पहला है वो कौन सा है? वो है रोहिणी, वो चंद्रयान फर्स्ट। लूनर जांच के लिए जो भारत का सैटेलाइट है वो है चंद्रयान फर्स्ट। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, और ये क्या होता है? ये एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल होता है जिसको अपन कहते हैं 192.168.1.1, यानी ये अपने इंटरनेट है उसकी वो होता है, एक एड्रेस होता है इंटरनेट का। मोबाइल फ़ोन को उपयोग करने के धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मोबाइल से अगर अपन कोई मनी ट्रांसफ़र करते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर, तो उसको कहते हैं अपन IMPS। IMPS ध्यान दीजिएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस बोलते हैं इसको, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। NEFT क्या होता है? RTGS क्या होता है? IMPS क्या होता है? इन सब के बारे में हम देखेंगे। NEFT होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इनमें इनमें डेस्क, ये अपन अगर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं इसमें ये काम आता है, मोबाइल से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं कोई ऐप से तो होता है IMPS के अंदर होता है। इसके जो ओनर होते हैं NPI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी ओनर है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। NEFT और RTGS में डिफरेंस क्या है? इसमें आप 1 रुपये भी ट्रांसफ़र कर सकते हो NEFT में, लेकिन RTGS में आपको मिनिमम 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। इसकी मिनिमम लिमिट है 2 लाख, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, इसमें मिनिमम मैक्सिमम आप कितना ही कर सकते हो। भारत में पश्चिमी शिक्षा में अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? तो भारत में यह जो पाश्चात्य वेस्टर्न एजुकेशन है और इंग्लिश एजुकेशन है उसका श्रेय जाता है राजाराम मोहन राय को, और राजाराम मोहन राय को श्रेय जाता है कि उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवाई थी, उन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज का मतलब होता है उन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर दिया था। ठीक है, और जो सती प्रथा पर रोक लगाई थी उस टाइम जो कौन थे, वो लगी थी रोक 1829 के अंदर, और उस टाइम गवर्नर थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मैकदूत का संचालन कहाँ पे किया? जो ऑपरेशन मैकदूत है वो हुआ था सियाचिन के अंदर, ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वो है बैटल फील्ड है, युद्ध क्षेत्र है सबसे ऊँचा सियाचिन है। ठीक है, जहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, और ये ऑपरेशन मैकदूत है इंडिया और पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए चला था, इंडिया का था कोडवर्ड, मिलिट्री एक्सरसाइज थी, मिलिट्री ऑपरेशन था ये ऑपरेशन मैकदूत। भारत का संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो वो हमेशा मनाया जाता है 26 नवंबर को, तो अपना आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1949 को बनके 26 नवंबर 1949 को बनके पूरा रेडी हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को अपन संविधान वो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 इसको संविधान दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को ही मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ये बनके पूरी तरह से तैयार हो गया था। तो ये था अपना एक छोटा सा वीडियो, पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।